बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आबिद इस्माइल। आज जरा गोल्ड को लेके हाजिर हूँ। उसकी काफी जो वैसे मैं करता रहता हूँ, क्रूड को, गोल्ड को पहले मेरे काफी प्रैक्टिस में रहते थे ये बिटकॉइन वगैरह। अभी भी मेरा ये वॉच लिस्ट में होता है, गोल्ड है, क्रूड है, बिटकॉइन है, क्रिप्टो करेंसीज में दो तीन जो प्रोमिनेंट करेंसीज हैं। तो अभी इस वक्त जो है गोल्ड काफी हाई पे चला गया है। इससे पहले भी मैंने आई थिंक ये था 2022 में, ये सब ये अक्टूबर का ही मंथ था। यहाँ पे मैंने बोला था कि भाई ये 1680 से लेके 1625 तक जो है, वैसे तो मैंने 1650 बोला था, तो ये विक जो है 1625 तक आई है, 16 बल्कि आई थिंक इसने लो किया है। मैं आपको यहाँ बता दूँ 1614, और हाँ ये समझे समझे 1614 1616 यहाँ पे विक बनी है। ये मैं यहाँ पे ये लाइन बना भी देता हूँ, ये जो है यहाँ पे कंसोलिडेट किया यहाँ पे, यहाँ और ये विक बनी है, यहाँ से बायर एक्टिवेट हुए हैं। ओहो, ये इसको मैं लाइन में कर देता हूँ, ठीक है। इसको ये समझे कि सपोर्ट एरिया है, वीकली पे बड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया था। इसको यहाँ पे इसको ऑनर किया, फिर यहाँ से फिर हमने रैली बनते हुए देखी विथ करेक्शन, ठीक है। करेक्शन लेते हुए ये गोल्ड जो है मजीद अपसाइड पे गया, और इसने अभी तक जो हाई किया है वो ये वाला है 2790 के करीब जो है इसने हाई किया। मैं यहाँ पे ये बना देता हूँ, एक मिनट, यहाँ पर भी एक मैं लाइन बना देता हूँ। रेजिस्टेंस है ये, ठीक है ना। ये इसी तरह का रेजिस्टेंस है जो रेजिस्टेंस हमने यहाँ पे देखा था, ये वाले एरिया पे देखें, और यहाँ पर भी जो है ये शूटिंग स्टार बना था, जिसमें हम टेक्निकली इन्वर्टर हैमर जो डोजी भी बोल सकते हैं, और यही यही चीज यहाँ पर भी बनी है। सेम जो है साइन यहाँ पे बेरिश रिवर्सल का आ रहा है, यहाँ पे भी बेरिश रिवर्सल आया, ठीक है। ये भी मैं आपके साथ शेयर कर दूँ, ठीक है। और ये के सपोर्ट भी बन सकता है। वैसे तो पिविटल सपोर्ट इसका 2445 पर है, लेकिन ये भी एक अच्छा सपोर्ट एरिया है, ठीक है। यहाँ पे बल्कि दोनों को आप ले लें 2482 से लेके 2445 तक। यहाँ पर भी मैं इसको ग्रीन कलर दे देता हूँ, तो कलर से ये होता है, कस्टमाइज कलर से आपको अंदाजा हो जाता है कि भाई वैसे भी आप देख लें, अगर हायर साइड पे है तो रेजिस्टेंस है, लोअर साइड पे तो सपोर्ट है, लेकिन फिर भी मैं कलर से इसको आइडेंटिफाई कर देता हूँ कि भाई ठीक है, आप कलर से भी इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये जो मैंने दिया हुआ है कलर, जो ऑरेंज कलर है, ये पिविटल सपोर्ट है ये एक्चुअली, वो इस वजह से काफी यहाँ पे देखें हायर साइड पे यहाँ पे ये आया है, और यहाँ कंसोलिडेट किया है बिटवीन 2290 से लेके और 2445 तक, ये यहाँ पे कंसोलिडेट किया है। और इसके बाद जाहिर सी बात है, देखिए कंसोलिडेशन और अक्यूमुलेशन में बड़ा फर्क होता है। उसकी वजह ये कि देखें, अगर ये अपर साइड पे यहाँ ये एक नैरो बैंड में आ गया हो कोई कोई भी स्टॉक या इंडेक्स, तो अपर साइड पे हम इसको बोलेंगे कंसोलिडेशन, ठीक है। इसकी कंफर्मेशन जो है ना ये इसने दी है, सॉरी इसकी निगेशन इस बुलिश कैंडल दी। वैसे कंसोलिडेशन ये होता है कि यहाँ पे ये डिस्ट्रीब्यूशन भी हो सकता है, तो यहां से अगर कोई बेरिश कैंडल यहाँ नीचे बनती है एरिया ऑफ वैल्यू के नीचे आके, तो इसको हम कंसीडर करते हैं कंसोलिडेट हो रहा है, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है, ठीक है। लेकिन अगर इस बुलिश कैंडल ने इसको निगेट किया और इसके आगे एक और विद टू और थ्री डोजेस एक और अगेन जो है बुलिश कैंडल बनी, तो इसको निगेट किया और ये अक्यूमुलेशन में शामिल हो गया। ये बिल्कुल इसी तरह का है, मैं आपको समझा देता हूँ। इसी तरह है कि जैसे ये रेजिस्टेंस लेवल था, अभी मैंने ग्रीन दिया ना, अगर ये यहाँ पे होता तो मैं इसको रेड देता, जिस तरह मैंने यहाँ रेड दिया हुआ है। तो जैसे ही कोई रेजिस्टेंस जो है ब्रेक होता है, इसका ब्रेकआउट मिलता है विद कंफर्मेशन, देखें यहाँ ये ब्रेक हुआ और यहाँ कंफर्मेशन कई दफा हुई, यहाँ पे सस्टेनेबिलिटी आई इसकी और इसकी कंफर्मेशन आई बुलिश कैंडल के साथ, तो ये सपोर्ट एरिया में तब्दील हो गया। सेम इसी तरह कंसोलिडेशन जो है वो अक्यूमुलेशन में कन्वर्ट हो जाएगा जी। अक्यूमुलेशन यहाँ पर है, तो आने वाले दिनों में हो सकता है कि यहाँ पे ये वापस ये अक्यूमुलेशन फेज में आ जाए, जबकि एरिया ऑफ वैल्यू जो है वो 2310 रुपये से लेके 2730 रुपये तक है। बल्कि इसको थोड़ा सा ये नेक लाइन पे ले लेता हूँ, इसको मैं ये ले लें, ठीक है, 2730 रुपये 3200 रुपये, ये जो है एक एरिया ऑफ वैल्यू है। अच्छा, मैंने एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन सपोर्ट भी बनाई है, ठीक है, इसको भी मैं आपको आपके साथ शेयर कर दूँ, इसी को लेते हुए जो मैंने लो किया था, जो मैंने बताया था यहाँ पे एक्यूमुलेट करने का। तो इसके बाद जो है इसका ये लो किया था इसने 1812 का, जबकि जो सपोर्ट थी वो 1830 की थी, फिर यहाँ से इसने अपवर्ड मूवमेंट दिखाई, तो ये एक स्ट्रॉन्ग
जो रेजिस्टेंस था वो सपोर्ट में कन्वर्ट हो गया। और अगर ये ब्रेक करेगा, ठीक है ना, अगर मैं कहता हूं कि अगर ये एरिया ब्रेक करता है, मैं अभी नीचे से ही शुरू कर रहा हूँ, ठीक है, तो अब ऊपर की तरफ भी आते हैं, ये बहुत अभी बात की बात है। ये यहाँ पे बन रहा है 2000 के करीब, 2054 है, विक भी बन सकती है नीचे। इसको अगर ब्रेक करेगा और सस्टेन करेगा, यहाँ डोजी बनना शुरू हुए, फिर यहाँ फिर इसके नीचे आएगा, तो फिर इसको क्या कहेंगे हम, कंसोलिडेशन, फिर अगेन नीचे ये और मजीद मूवमेंट दिखा सकता है। इवन ये वापिस 1650 1680 के दरमियान फिर ये आ सकता है, ठीक है। ये तो मैंने आपको उस वो सूरत में बताया है कि बहुत ये सब ये पिविटल एरिया, एरिया ऑफ वैल्यू, अगर ये ब्रेक करता हुआ नीचे आता है तो। लेकिन अभी करंट सिनेरियो में तो अभी ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि गोल्ड जो है इस वक्त, समझे पहले तो ये इंडिविजुअल का होता था, एक लेडीज का जिसे कहते हैं जेवर है, और लेडीज के लिए लिया जाता, लेडीज को बहुत खरीदती थी। लेकिन इस वक्त जो है ये कंट्रीज जो हैं अपने रिजर्व में शामिल कर रही हैं अगेंस्ट फिएट करेंसी जो है, जैसे हम कहते हैं आम जबान में फॉरेन करेंसी। तो फॉरेन करेंसी में जैसे डॉलर वगैरह जिनके पास बहुत ज्यादा है, और जैसे कि आपको पता है ब्रिक्स करेंसी भी अभी आने वाली है, तो डॉलर का जो इस पे बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ने वाला है अगर ये लॉन्च हो गई और कामयाब हो गई तो। इसी वजह से देखें हम बिटकॉइन में भी तेजी देख रहे हैं, और बिटकॉइन की तेजी के दूसरी वजूहत भी, जिसमें से एक वजह ये भी है, ठीक है। तो गोल्ड का जो अभी मेन बायर जो है, आप अगर गूगल में सर्च करें तो चाइना, पोलैंड, इंडिया, सिंगापुर, ये सब जो है मेजर बायर है इस वक्त। ये कन्वर्ट कर रहे हैं जिन इनके पास माशाल्लाह सरप्लस, जिनके पास रिजर्व है, तो फॉरेन करेंसी में वो उसको गोल्ड में कन्वर्ट कर रहे हैं कि भाई अगर खुदा ना खास्ता कि डॉलर जो है कोलैप्स होता है तो इसमें जो है इनको ज्यादा नुकसान ना हो, उनको उन्होंने कन्वर्ट की हुई। और दूसरी बात एक और बता दूं, ब्रिक जो है, ब्रिक इज बैक्ड बाय गोल्ड, ठीक है ना, वो गोल्ड से ही मतलब इसका इसकी वैल्यू बनेगी। इसलिए चाइना, इंडिया, इंडिया में वैसे भी बहुत इस्तेमाल रहता है, वैसे भी इंडिया भी अपने रिजर्व में ये इसको शामिल कर रहा है। जितने भी सेंट्रल बैंक से पूरी दुनिया के वो अपने रिजर्व में इसको शामिल कर रहे हैं, बल्कि इजाफा कर रहे हैं, यूं समझ लें गोल्ड को अगेंस्ट फॉरेन करेंसी या डॉलर समझ लें। तो इस वजह से ये हमने इसमें बड़ी तेजी देखी यहाँ पे। इवन मेरे पास काफी मैसेज भी आते रहे, तो मैंने भी इसको शेयर किया। तो कैनेडियन जो है गोल्ड जो इस वक्त बड़ी डिमांड में, उसका अभी समझे आउट ऑफ स्टॉक जो है वो है, आई थिंक इसका एक कॉइन है वो आउट ऑफ स्टॉक में। आप डिटेल आप गूगल में सर्च कर लीजिएगा, वो $3,000 में भी अभी तक नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो इसकी इसकी वजह यही ऊपर जाने की कि सब ये जो है सारे डिच करता हुआ जा रहा है, ठीक है ना, इसकी कंफर्मेशन के बजाय निगेशन मिल रही है। कहाँ पे ये देखें, ये बेरिश आया रिवर्सल का, इसकी जो है निगेशन हुई। यहाँ पे भी अभी यही साइन आई है एग्जैक्टली, अगर हम देखें तो शूटिंग स्टार बना है और यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आया है। तो अब ये देखते हैं कहाँ तक अब ये नीचे आ सकता है या कहाँ तक ऊपर जा सकता है, उसका तो फिर मैं बाद में बता दूंगा मैं आपको। जैसे अभी मैंने आपको हिंट दे दिया है, तो अभी तो गोल्ड डिमांड में ही है, ठीक है, बुलिश ट्रेंड में ही चल रहा है। अच्छा, बुलिश ट्रेंड का अंदाजा हम इस तरह से भी लगाएंगे। मैं यहाँ पे एक और, जो मुझे पुराने फॉलो कर रहे हैं वो अच्छी तरह समझते होंगे, इंडिकेटर में यहाँ एमए डाल देता हूँ, ठीक है ना। मूविंग एवरेज ले लें या सिंपल मूविंग एवरेज ले लें, ये ऐसे में डाल देता हूँ, ये मूविंग एवरेज सिंपल, ठीक है, ये ले लें आप। इसको आप जो है बाय डिफॉल्ट, वैसे तो 9 होता है, आप इसकी सेटिंग करें 5 पे, क्योंकि हाई टाइम फ्रेम पे 5 जो है अच्छा काम करता है। यहाँ पे ये इसको 5 कर लें, ठीक है, इसको थोड़ा सा हम ये, बल्कि यहीं से समझ में आ जाएगा, बोल्ड करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, आप यहाँ पे देखें, थोड़ा सा सिनेरियो मैं आपको समझा दूं कि देखें यहाँ पर भी इसने इसको ब्रेक किया था, ये वाला जो बन रहा है 2350 का, ठीक है, इससे पहले ब्रेक नहीं हुआ, देखें बुलिश कैंडल बनी, मतलब ब्रेक का मतलब बुलिश कैंडल, यहाँ नीचे की तरफ आया है, यहाँ पे देखें यहाँ ब्रेक किया है, डोजी बना, क्लोजिंग ऊपर आ रही है, इस पे ये आ रही है क्लोजिंग या इसके ऊपर आ रही थी क्लोजिंग MA5 पे, देखें ये हाई टाइम फ्रेम है, ये मैंने वीकली लिया हुआ है। तो अभी जो मैं चार्ट शेयर कर रहा हूँ इसको आप अभी इग्नोर करें, ये 11 नवंबर को भी कैंडल बनना शुरू हुई है, मंडे का दिन है, और मंडे के दिन ही मैं वीडियो बना रहा हूँ। जो क्लोज हुआ था वो 8 नवंबर को हुआ था, तो ये क्लोजिंग हुई है इसकी, और अभी यहाँ पे देखें बेरिश ही नजर आ रहा है, ठीक है। इसको मजीद हम देख सकते हैं टेक्निकली कि ये कहाँ सपोर्ट ले सकता है, यहाँ पे देखें हम इसको एक छोटा सा, मतलब एक तो ये हमने मेजर ट्रेंड लाइन बनाई हुई तो बहुत अभी दूर है ये वाली, हम एक यहाँ पे एक इनिशियली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखेंगे ट्रेंड लाइन के थ्रू, ठीक है। हम यहाँ एक और ट्रेंड लाइन बनाएंगे इसको लेके, ठीक
ये कैंडल को लेके बनाएंगे एक ट्रेंड लाइन, हम यहाँ पे ये रेजिस्टेंस आ गया, और एक ट्रेंड लाइन हम यहाँ पे बनाएंगे लोअर साइड पे, ये सपोर्ट आ गई हमारी। तो करंटली देखें तो यहाँ पे एक सपोर्ट जो है बनती हुई नजर आ रही है ये एरिया पे, ठीक है, वो है तकरीबन 2650 का लेवल, 2652-53-50, ये जो है इवन यहाँ पे भी विक बन सकती है ये जो है, ये एरिया जो है, ठीक है, बल्कि हम इसको ये 2606 का बनता है, बल्कि हम इसकी नेकलाइन सपोर्ट ले लें, ठीक है, यहाँ अच्छा रहेगा नेकलाइन सपोर्ट, ये इसकी सपोर्ट आ गई नेकलाइन सपोर्ट, ये वाला एरिया आ गया। तो इवन ये 2620-21, ठीक है ना, ये जैसे विक बनी है 2600, तो ये तकरीबन समझ लें अभी 2650 से लेके 2600 तक का लेवल है, ठीक है ना, या विक बन सकती है लेकिन क्लोजिंग इसके ऊपर आने चाहिए, ये मैं आपको लिख भी देता हूँ, चलेगा नेकलाइन सपोर्ट है इसकी, है इसकी नेकलाइन सपोर्ट है। ये वापस इसकी नेकलाइन सपोर्ट आ गई, सॉरी सी को डिलीट करना था तो ये सब डिलीट हो गया, ये मैं आपको लिख देता हूं यहाँ पे नेकलाइन सपोर्ट, यहाँ पे ये आ गई नेकलाइन सपोर्ट, ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, बल्कि इसके दोनों के बीच में कर देता हूँ, ठीक है, नेकलाइन सपोर्ट आ गई इसकी है, ये आ रहा है 2650 से लेके 52-53, ये सब वेरी करता है, ऐसी बातें देखें, विक यहाँ पर भी बनी 2602 पे लेकिन क्लोजिंग आई 2655 पे, तो $50 का इसमें होता है। अच्छा ये मैं आपको बताता हूँ, ये डॉलर में हो रहा है क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में कवर कर रहा हूँ, आपने लोकल का अपने हिसाब से निकालना है। अच्छा और एक और चीज भी जो नए हैं उनको मैं बता दूं, डॉलर गोल्ड में जो ट्रेड करने वाले हैं, कि ये जो है ये आउंस का बता रहा हूँ मैं, पर आउंस की कीमत है ये, जैसे अभी फॉर सपोज ये 2670 के अराउंड चल रहा है, तो 2670 पर आउंस है, और ये ट्रॉय आउंस कहलाता है, हम लोग यूज करते हैं वो इंपीरियल आउंस है, वो 28.35 ग्राम का होता है, वो आप कैलकुलेट कर लीजिएगा गूगल पे जाके, और ट्रॉय आउंस जो होता है वो 31.1 ग्राम का होता है। तो जो इसको पाकिस्तानी रुपयों में कन्वर्ट करें डॉलर का, तो आउंस को भी इसी तरह कन्वर्ट करें, लेकिन 28 नहीं लें, इसको 31.10 जिसे 31.1 ग्राम होता है उससे कैलकुलेट करें, तो आपके पाकिस्तानी रुपयों में आ जाएगा, तो फिर आप इसको देख सकते हैं कि पाकिस्तानी रुपयों में ये इससे ज्यादा ट्रेड हो रहा है लोकल मार्केट में गोल्ड जो है, या कम पे ट्रेड हो रहा है, ये आप इसको मैच कर सकते हैं इससे। अच्छा अब आ जाए इस तरफ अपर साइड पे, ठीक है, तो अपर साइड से पहले जैसे 2790 समझ लें, ठीक है, राउंड फिगर में 2790 से पहले 2750 का, जैसे मैंने आपको बताया ना ये लेवल बड़ा क्रूशल है सीपीआर का, अपर बैंड जो है 2750, यहाँ पे देखें विक बन सकती है, यहाँ पे सस्टेन नहीं कर रहा है, ठीक है ना, जिस तरह मैंने आपको यहाँ बताया था कि यहाँ पे इसने जो है एक बेरिश रिवर्सल का साइन दिया विद शूटिंग स्टार्ट होगी, लेकिन यहाँ इसने कंसोलिडेट किया, यहाँ ये कंसोलिडेट नहीं कर रहा, ये नीचे नीचे आ रहा है। अगर ये देखें ये अभी इस हफ्ते की कैंडल देखते हैं, ये क्लोज होगा तकरीबन 11 है, तो ये 15 नवंबर को ये क्लोज होगी कैंडल, अगर ये और नीचे क्लोज होती है इसके, तो फिर यहाँ पे सपोर्ट इसकी नजर आती है मिडिल बैंड की तरफ, ये 2550 समझ लें, ये वाला 2550-2552, ठीक है, फिर इसके बाद ये फिर वो इसी तरह नीचे आता रहेगा, तो सपोर्ट कहीं ना कहीं लेगा, अगर नहीं लेता तो ये सारे रेजिस्टेंस में कन्वर्ट, जैसे अभी इसने इसको सस्टेन नहीं किया, तो ये अभी फिलहाल स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, ये तो अपनी जगह है ही 2790, लेकिन 2750 अभी फिलहाल बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, इसकी मिसाल मैं आपको यहीं से दे रहा हूं ना, ठीक है, जैसे यहाँ आया इसने फिर यहाँ थोड़ा सा कंसोलिडेट किया, फिर अपर साइड पे बुलिश कैंडल बनी, तो ये एक्चुअली देखें तो ये एरिया में सब 2445 से लेके और 2300 रुपए तक, तो काफी 1450 तकरीबन ये बनता है, यहाँ पर ये कंसोलिडेट करता रहा इस प्राइस के दौरान दरमियान, सॉरी। तो अब यहाँ पे देखें तो इसमें भी इतनी गुंजाइश नजर आ रही है कि और भी नीचे आ सकता है, इवन ये नेकलाइन सपोर्ट को भी तोड़ के लोअर बैंड जो है यहाँ पे कहीं सपोर्ट ले सकता है 2552 के करीब, तो ये अगर यहाँ पे 2790 से लेके 2552 तो यहाँ पर ये आ सकता है, लेकिन देखें अगर ये इतना नीचे आएगा तो ये देखें ये MA5 से बहुत नीचे आ जाएगा, दैट मीन्स के बहुत पीछे छोड़ गया इसको,
और जिस तरह मैंने बताया था, एक तरह से हम इसको ट्रेंड लाइन सपोर्ट कर, सपोज जो है इसको एक्टिंग एज ए ट्रेंड लाइन, इसको हम फॉर सपोज लेंगे, ठीक है। तो ये देखें, मैंने पहले ही बताया था कि MA5 पुराने वाले हैं, वो मुझे जो फॉलो कर रहे हैं वो जानते हैं MA5 का, तो ये बड़ा कोर इंडिकेटर है। MA5 वीकली पे, मंथली पे बड़ा अच्छा काम करता है, डेली पे भी आप इसको यूज कर सकते हैं। तो फिर ये जो है इसका है जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है वो 2709 का एरिया बन जाएगा, अगर इसने ये नेक लाइन भी ब्रीच किया और मिडिल बैंड जो है 2552 का या 2550 समझ लें, ये भी ब्रीच किया, तो ये वाला लेवल जो है ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अभी भी मैं बता देता हूँ कि फॉर फर्दर अपसाइड इट हैज टू बी ब्रीच, ठीक है। ये इसको ब्रीच करना, ये ब्रेकआउट मिलना इसका बहुत जरूरी है, ये वाला एरिया जो है, सॉरी ये जो मैंने ये बीच बीच में असल में ये आ जाता है, इसको मैं ये रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे देखें, ये वाला एरिया जो अभी फिलहाल, इसको थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं, इसकी नेक लाइन पे आ जाते हैं। अब ये नेक लाइन रेजिस्टेंस है, अब इसमें जो समझे मुकाबला हो रहा है टग ऑफ वॉर और नेक लाइन सपोर्ट और नेक लाइन रेजिस्टेंस का हो रहा है, ठीक है। बहुत इजी आपको समझ में आ जाएगा, इसको मैं यहाँ कर दें ताकि आपको समझ में आ जाए ये नेक लाइन रेजिस्टेंस है ये वाला, ठीक है। ये बन रहा है 2720-23, ये है नेक लाइन रेजिस्टेंस है, और नेक लाइन सपोर्ट जो है वो तकरीबन 2620, ठीक है। तो ये एक ही 1000 पॉइंट के हो सकते हैं यहाँ पे कंसोलिडेशन चले, जिस तरह मैंने पहले बताया था नीचे 1500 पॉइंट की कंसोलिडेशन चल रही थी, तो 1000 पॉइंट की अभी मैं कंसोलिडेशन इसलिए वर्ड यूज कर रहा हूँ कि अपर साइड पर है, ठीक है। इसको कोई निगेट करेगी बुलिश कैंडल अपर साइड पे, तो फिर ये एक्यूमुलेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसी को देखते हुए अपनी ट्रेड की जो है स्ट्रेटेजी प्लान करें, स्टॉप लॉस जरूर दें। स्टॉप लॉस जो, अच्छा मैं आपको बता दूं, स्टॉप लॉस जो है ये नेक लाइन सपोर्ट, ये समझ लें ये वाली है 2620, ये वाला समझ लें ये स्टॉप लॉस होगा 2600 का। एंट्री जो होगी आपकी वो 2552 होगी, 2600 के नीचे का स्टॉप लॉस होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे कोई बुलिश कैंडल विक बनती है, ठीक है, अगर यहाँ पे डेली पे भी कोई विक बन जाती है 2550 पे, तो आप ये एंट्री ले सकते हैं विथ स्टॉप लॉस अगेन वही 2480 का, ठीक है। इसी तरह आप स्टॉप लॉस लेते हैं, देखिए स्टॉप लॉस इज द की ऑफ सर्वाइवल, आपके पास पैसा होगा, इन्वेस्टमेंट होगी, कैपिटल होगा, तो फिर आप मजीद इन्वेस्टमेंट नीचे की साइड पे कर सकते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ जिनको डिलीवरी नहीं लेनी, जो स्पॉट पे काम नहीं करते फ्यूचर में करते हैं, वो स्टॉप लॉस जरूर ट्रेड करते हुए चले। वैसे मेरी नॉलेज के मुताबिक गोल्ड वाहि चीज है जिसकी आपको डिलीवरी मिलती है, अगर आप PMEX है पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज, अगर उसके थ्रू जो है आप काम करते हैं तो उसमें आपको डिलीवरी मिलती है, तो कोई डरने की बात नहीं है, ठीक है। सोना है कभी ना कभी बढ़ता है और वैसे भी काम आता है अच्छे बुरे वक्तों में। दैट्स ऑल फॉर नाउ, टेक केयर, गुड लक एंड अल्लाह हाफिज।